एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे प्लैंक पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर मुट्ठी बांध के जमीन पर ऐसे रख लेना है और ऐसे प्लैंक पोजीशन में आना है। इस स्थिति में आपका पूरा शरीर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट रहना चाहिए और सीधे आगे की तरफ देखिए। इस प्लैंक एक्सरसाइज को करने से हमारी पेट की मांसपेशियां काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं। हमारे संपूर्ण फिटनेस के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही अधिक लाभकारी होती है। 30 सेकेंड इसी स्थिति में रहिए। फिर इसके बाद आप अपने राइट वाले पैर को ऊपर को उठाइए, फिर नीचे, फिर लेफ्ट वाले पैर को उठाइए, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर चाइल्ड पोज में आप रिलैक्स कीजिए। मजबूत कोर पाने के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे दंडासन में सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तान आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें, 10 सेकेंड। फिर श्वास अंदर भरते हुए पीछे को ऐसे लेट जाना है आपने, फिर श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तान आसन की पोजीशन में आना है। ऐसे ही इसको आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर का अतिरिक्त फैट भी दूर होता है और पूरे शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। मजबूत कोर को पाने के लिए इस एक्सरसाइज को आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप फास्ट में कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तान आसन की पोजीशन में आए, श्वास अंदर भरते हुए पीछे को लेट गए, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। तो मजबूत कोर पाने के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रख लेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है, पहले 30 डिग्री के एंगल में उठाइए, कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर आपने अपने पैरों को क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को पीछे लाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। इसे करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफ़ी मजबूत बनती हैं, हमारे पाचन संबंधी समस्त डिसऑर्डर दूर होते हैं। फिर इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऐसे ही 10 बार कीजिए आप इसे। इसे करने से हमारे हिप्स और थाई और कमर की अतिरिक्त चर्बी घटती है और पूरे शरीर को फिट रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन होता है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे और दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, मजबूत कोर को पाने के लिए आप इन एक्सरसाइजों को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इसे करने से आपका पूरा शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है और पूरे शरीर को फिट रखने के लिए यह योगासन बहुत ही अधिक इफेक्टिव होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।